बहू मटेरियल बनने की तैयारी हो रही है तो। और आज बहुत ही बुरी खबर है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब गाइज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मेरी मैं जो शॉर्ट्स डाल रही हूँ या जो भी वीडियोस डाल रही हूँ, आप लोग के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देखकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया है। और बहुत लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि अच्छी बात है आप कुकिंग सीख रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जो सबसे ज़रूरी होता है, जो मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी कि मैं ये चीज़ सीखूं और ये चीज़ मतलब मुझे आ जाए ताकि उनका वर्कलोड कम हो, तो मैं आज बनाने वाली हूँ गाइस जो हर घर में बनती है, रोटी। तो गाइस मुझे रोटी बनाना मतलब नहीं आता है, तो आज मैं रोटी बनाना सीखूंगी। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक बहू बनने के लिए, एक बेटी बनने के लिए अच्छी वाली ये सब रोटी गोल बनाना आना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो चलो अभी देखते हैं क्या कारनामा करती हूँ मैं। बट मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं बना लूँगी। ईजी है रोटी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है मुझे ऐसे लगता है, पता नहीं गाइस। तो चलो देखते हैं, लेट्स गो। तो उसके पहले मैं सोच रही हूँ क्यों ना अभी जब पूरा बहू मटेरियल बनने की तैयारी हो रही है, तो क्यों ना मैं कुछ इंडियन पहन लूँ, तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, मैंने आउटफिट चेंज कर लिया है और मैंने इंडियन पहन लिया है। तो चलो अभी फटाफट रोटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइज मुझे कमेंट में ऑनेस्टली बताना किसको किसको एग्जैक्ट गोल रोटी बनाने आती है, और अगर तुमको बनाने आती है बहन, तुमने दुनिया जीत ली हो। तो गाइज अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रोटी बनाना। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है आटा लेना और एक थोड़ा सा पानी लेना। और अगर गाइज आप चाहते हो तो आप तेल भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा वीडियो में उन्होंने बोला था। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ जैसे कि मुझे बहुत पता है। और आज बहुत ही बुरी खबर है कि मुझे रिकॉर्ड करने के लिए दिव्या नहीं है, दिव्या काम पे है, तो आज मुझे ही अकेले करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा और रिकॉर्ड भी खुद ही करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य है। बट गाइज आपके लिए मैं कोशिश करूँगी ये करने के लिए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें इसको गूंदना है, तो इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा पानी, बस है या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, बट थोड़ा और डाल देती हूँ और इसको हम अच्छे से गूंद लेते हैं। तो गाइज इसको मैंने गूंदना स्टार्ट कर दिया है, और जो कि मुझसे नहीं हो रहा है बट मैं ट्राई करूँगी। रुक जाओ, मैं प्रॉपरली करने की कोशिश कर रही हूँ गाइज, प्लीज़। भूत पता है अभी आपको मुझे मारने का मन कर रहा है, बट नहीं मार सकते क्योंकि मैं यहाँ पे और आप वहाँ पे। तो मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया है और मैं कोशिश कर रही हूँ। ये क्या हो रहा है यार, हे भगवान, ये तो हो ही नहीं रहा है यार, मतलब ये चिपक रहा है मेरे हाथ में गाइस। क्या करना चाहिए ये टाइम पे यार, कोई है भी नहीं बताने के लिए फिलहाल मेरे को। एनीवेज मैं करके मिलती हूँ गाइस, वरना पूरी गड़बड़ हो जाएगी। मैं इसको ट्राई करती हूँ मिला मतलब अच्छे से क्या बनाने का, वो गोल बॉल बनाते वैसे ट्राई कर लेती हूँ गाइस। पता नहीं ये हो ही नहीं रहा है, ये चिपक रहा है लिटरली, ये मेरे हाथ में चिपक रहा है। ये देखो क्या हो रहा है। ओ भाई ये क्यों नहीं हो रहा है, शायद ऐसे पानी तो ज़्यादा नहीं हो गया, बट मैंने थोड़ा ही डाला था यार, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें और थोड़ा आटा डाल देती हूँ है ना, तो शायद ये ठीक हो जाएगा, ट्राई करती हूँ मैं। तो गाइस कैसे कैसे करके मैंने बहुत मुश्किलाहटों से इसको ऐसे बनाया, क्योंकि इसके लिए इसको ऐसे बनाया मैंने मतलब है ना, पूरा मेरा हाथ पे स्टिक हो रहा था, तो मुझे बहुत अजीब मतलब हो ही नहीं रहा था कुछ भी करने के लिए। इसलिए मैंने सोचा कि एक एक्स्ट्रा आटा लेके इसको ऐसे बना देती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा नीट भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा और मतलब ये सेट भी हो जाए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया, मैंने देखा यूट्यूब पे, तो ये ज़्यादा पानी डालने की वजह से ऐसा होता है, तो इसलिए ऐसा हो गया। यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को या तो देखो
शूट करते करते और शूट करते करते ये बनाना और मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, बट कोई नहीं गाइज, मुझे आपको बताना है कि मैं सीख रही हूँ ये सारी चीज़ें, बिकॉज आप लोग भी मेरी फैमिली जैसे हो, तो ऑब्वियसली फैमिली से तो हम सब शेयर करते हैं, तो यस अभी ये थोड़ा सही बन रहा है तो इसको बना लेते हैं हम फटफट। और इसको ऐसे ऐसे पंच मारने का, मैंने वीडियो में देखा, अरे भाई आटा गिर रहा है, सॉरी, इसको ऐसे पंच मारने का और इसको ऐसे ऐसे मरोड़ने का, तो मैं ये कर लेती हूँ गाइज। सो गाइज फाइनली ये गोला बन चुका है, मैंने बहुत मुश्किलों से इसको बना तो दिया है, अभी फर्स्ट स्टेप तो हो गया है और यहाँ पे सब गिरा था वो मैं पोंछ भी रही हूँ, बिकॉज ज़रा भी फिर वो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत गंदा लग रहा था, तो मैंने इसको सब अच्छे से पोंछ भी दी साइड में जो गिरा था, और ये आटा गिरा था तो अभी ये बन गया है। अभी हमें करना है स्टेप टू, जो सबसे मुश्किल काम है, बेलना मम्मी। तो चलो देखते हैं, पहले हमें इसको गोल गोल राउंड बनाना है, उसके बाद हम इसको बेलेंगे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो गाइज मैंने कैमरा को प्रॉपरली प्लेस कर दिया है बहुत मुश्किलों के बाद, क्योंकि कैमरा सही से प्लेस ही नहीं हो रहा था, अकेले ये करना ना शूट और दोनों बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसको ऐसे करना है, ये मैंने वीडियो में देखा था, तो इसको ऐसे आपको छोटा सा ये ऐसे बनाना है और इसको ऐसे कर रखना है थोड़ा, इसमें वो जो वीडियो में था ना उन्होंने थोड़ा इस पे भी बेलन पे लगाया था ताकि ये स्टिक ना हो, मतलब ये पाउडर, तो थोड़ी बहू वाली एक्टिंग करती हूँ। माँ जी आज के लिए कितनी रोटियां बनाऊं? क्या 50? मैं नहीं कर रही शादी। ओ भाई ये क्या हो रहा है? तो ऐसे इसको करना है और जैसे मैंने वीडियो में देखा था वो वैसे ही मैं ट्राई कर रही हूँ गाइस, इसको मतलब ओ बापरे बापरे, उसको ऐसे घुमाना रहता, तो मैं कर तो रही हूँ, लेट्स सी। गोल शेप फर्स्ट टाइम में ही बनना मुश्किल है गाइस, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। चिपक रही है इसको, तो थोड़ा और आटा लगा देती हूँ बेलन पे ताकि चिपके ना। अरे फिर भी चिपक रही है। तो गाइस गोल का तो पता नहीं, लेकिन मेरी रोटी का शेप आपको दिखाती हूँ मैं। ये कौन सा शेप है भाई? स्क्वायर बना रही हूँ गाइस मैं, स्क्वायर। अरे यार ये क्या हो गया? ओ भाई प्लीज प्लीज प्लीज, टूटना नहीं टूटना नहीं। हाँ शिट यार ये पूरा चिपक गया है, ये देखो। ओ मम्मा, अब इसको वापस ऐसा गोल 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 लड्डू करके बनाना है, फिर इसको ऐसा पेड़ा बना देना है, फिर हमें इस पे लेना है पाउडर, पाउडर बोल दो आटा, फिर हमें इसको ऐसे अच्छे से इसके ऊपर रख के लेट्स स्टार्ट वंस अगेन। ये चिपक रहा क्यों है गाइस? अगर आपको कमेंट में पता है कि बेलन को ये चिपकता क्यों है तो प्लीज मुझे बताना। ओ भाई गाइस गोल रोटी बन रही है मुझसे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आपको बताती हूँ, रुक जाओ बन जाने दो पहले फिर बताती हूँ। ओ भाई इस चीज की तो उम्मीद नहीं थी मुझे, प्लीज मेरी नजर लग जाएगी मेरी रोटी को गा? ये देखो गोल रोटी बन रही है, इसको नीचे रखती हूँ वरना फट जाएगी, और फिर वापस जो इतनी मैंने मेहनत करी उसको गोल बनाने में तो और ख़राब हो जाएगी, तो इससे अच्छा है गाइस मैं इसको नीचे ही रखती हूँ। आपको पता है किसी किसी के घर पे बहुत बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाते हैं और किसी किसी के घर पे बहुत छोटी छोटी रोटियाँ बनाते हैं, आप बताओ मुझे आपके घर पे कैसी रोटियाँ बनाते हैं, बड़ी की छोटी? मेरे घर पे तो छोटी रोटी बनाते हैं, क्योंकि बड़ी रोटी मेरे मतलब हमारे फैमिली वालों में सब बड़ी रोटी बनाते हैं, बट मेरी मम्मी छोटी छोटी रोटी बनाती है क्योंकि डैडी को वैसी पसंद है।
तो मैं बड़ी भी नहीं छोटी भी नहीं मीडियम रोटी बना रही हूँ। ओह नहीं नहीं, वो शेफ लोग कैसा करते हो ना उड़ा के, वो उसके लिए मुझे प्रो बनना पड़ेगा तभी मैं कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हो गोल रोटी बन गई मम्मा। अरे तो आप देख सकते हो गाइस गोल रोटी बन गई है एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो इसको हम रख देते हैं प्लेट में साइड में निकाल कर और हम और दो तीन रोटी बना लेते हैं, ठीक है। तो ये तो एक बन गई है और दो तीन रोटी बना लेती हूँ छोटी छोटी, फिर हम इसको करेंगे मतलब इसको हम बना देंगे मतलब क्या बोलते हैं पका देंगे रोटी को भी। इसको अच्छे से गोल करो गाइस। अभी मैं गैस ऑन कर रही हूँ तो अभी हम हमारी रोटी डालेंगे तवे पर। तो गैस स्लो पे रखती हूँ मैं, पहले तो थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। लग रही हूँ ना गाइस पूरी बहु मटेरियल सच्ची सच्ची बताना। तो अभी तेल भी मैंने डाल दिया है तो तेल, तो चलो फटफट इसको हम बना देते हैं आज और अभी हम फटफट रोटी बनाएंगे। चलो देखते हैं उसका आउटकम कैसे आता है। तो थोड़ा तेल को गर्म होने देते हैं। तो मैंने रोटी डाल दी है, ये मम्मी लोग पता नहीं कैसे ऐसे ऐसे इसको घुमा लेते हैं, बहुत गर्म है मम्मी। हाथ से तो मुझसे ना हो पाएगा तो इसलिए मैंने स्पून लिया है और इसको मैं पलटा रही हूँ या सेवा। कोई कोई मम्मा कोई कोई जो रोटी बनाते हैं ना गाइस उन लोग है ना डायरेक्ट गैस पे रखते, तवे पे नहीं डायरेक्ट गैस पे रोटी को रखते ताकि वो फूले। तो वो स्टंट मैं भी ट्राई नहीं कर सकती बिकॉज मुझे आता नहीं है। तो जब मैं सीख जाऊँगी प्रॉपरली तब मैं वो भी करूँगी। मेरी मम्मी करते हैं वैसा, तो मैं मम्मी से सीखूँगी वो और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको पका लेते हैं। तो गाइज मेरी रोटी फाइनली बन चुकी है और बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुकी है। आप देख सकते हो बहुत ही, ये छोटा सा कट आ गया है उसको इग्नोर करो। तो ये बन गई है मेरी रोटी कि नहीं हो रहा है कि मैंने रोटी बनाई है। वाह लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। भले मैं ये सब चीज़ सीख रही हूँ मतलब इतना परफेक्टली नहीं कर रही हूँ बट मैं कोशिश कर रही हूँ तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है। सो गाइज मेरी रोटी बन गई है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक स्पीच देती हूँ। सो मुझे यकीन नहीं था कि मैं ये काम कर सकती हूँ। मैं शुक्रिया बोलना चाहती हूँ मेरी ऑडियंस, मेरे पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं एक रोटी बना सकती हूँ। तो अभी हम टेस्ट करके देखते हैं। परफेक्ट, एकदम स्टाइल बनने जाएगा जैसे मेरे मम्मी बनाते हैं वैसे। एकदम परफेक्ट भी नहीं बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी बनी है, बहुत अमेजिंग बना है। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा बनाया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग।